नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। छठे चरण में बिहार के कुल 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें महाराजगंज की सीट काफ़ी हॉट बनी हुई है। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और आरजेडी के रणधीर सिंह के बीच मुकाबला है। इस बीच महाराजगंज में वोट करने के लिए मंगल पांडे, जो बीजेपी का दावर नेता हैं और बिहार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे। अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सुबह के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपने पैतृक गांव बलिया कर्णपुरा के बूथ संख्या 34 राहुल उच्च विद्यालय पर उन्होंने मतदान किया है। मतदान करने के बाद मंगल पांडे आश्वस्त दिखे और वो कह रहे हैं यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है और जो भी 40 की 40 लोकसभा सीटें बिहार की हैं उसमें काफ़ी लीड कर रहा है एनडीए। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे। 4 लोकसभा की सीटें हैं इस प्रमंडल में। 1 लोकसभा की सीट का मतदान 5वें चरण में हो गया था। 3 लोकसभा सीट का चुनाव इस 6ठे चरण में हो रहा है और केवल दावा नहीं, यह जनता का अस्पष्ट जनादेश दिख रहा है कि चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हमारे चुनाव में विजयी होंगे। जहां छपड़ा और महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, वहीं सिवान और गोपालगंज से जदयू के हमारे प्रत्याशी एक बड़े अंतर के साथ चुनाव में जीते जा रहे हैं। चूंकि संपूर्ण सारण प्रमंडल का हर तबका, हर वर्ग, जो 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देके काम किया, आज वो मतदान में दिख रहा है सबका साथ। और सबका साथ नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, सबका विश्वास नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, और साथ और विश्वास का मतलब है कि सबका मत भी नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। और एनडीए के प्रत्याशी हमारे 4 के 4 जीत के जाएंगे और जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उसमें सारण का 100% समर्थन सारण प्रमंडल का नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगा। सिवान के राजद प्रत्याशी ने आज फिर ये बात दोहराया है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि उनको ये विचार करना चाहिए कि आज किन परिस्थितियों में वो चुनाव के मैदान में, किन परिस्थितियों में पिछला 2 चुनाव वो लड़ी और वो पराजित हुई, जनता ने उन्हें क्यों नकारा पहले और आज क्यों नकार रही है जनता। शायद इन परिस्थितियों पर वो विचार करेंगे तो वो लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। तो जाहिर सी बात है, मंगल पांडे अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने वोट किया और वोट करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने जीत का दावा किया और कहा कि महाराजगंज की ले ले या फिर सिवान, गोपालगंज, सारण, इन चारों जगहों पर जो भी वोटिंग हुए हैं या फिर वोटिंग हो रहे हैं उसमें एनडीए को काफ़ी बढ़त मिल रही है, कोई मुकाबला नहीं है। 23 मई को नतीजे आएंगे, देखने वाली बात होगी कि महाराजगंज से रणधीर सिंह को संसद में जाने का मौका मिलता है या फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल में जनता विश्वास दिखाती है। आप लाइव सिटी से बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। आज 12 मई को सभी 8 लोकसभा सीटों और इसके साथ ही साथ बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर महाकवरेज सिर्फ और सिर्फ लाइव सिटीज आपको दे रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।